नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट की इलेक्ट्रॉनिक क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास माइक्रोटेक कंपनी का एक स्टेबलाइजर है जो कि एसी के स्टेबलाइजर है। बेसिकली ख़राब हो चुका है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पावर इन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसका जो है कुछ टाइमिंग होती है 10 सेकेंड के आसपास, वो टाइमिंग यहाँ पर चल रही है, उसके बाद ये ऑन होगा। देखिए ये देखिए यहाँ पर ये इनपुट दिखाएगा आपको, इनपुट दिखा रहा है 240 वोल्ट, उसके बाद ये थोड़ी देर में आपको आउटपुट दिखाएगा। देखिए अभी आपको आउटपुट दिखाएगा जो कि 239 38 40 के आसपास दिखा रहा है। तो बेसिकली सिर्फ डिस्प्ले पे शो कर रहा है, आउटपुट ये नहीं कर रहा है, इससे एसी जो है रन नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको इसके आउटपुट वोल्टेज हम लोग मल्टीमीटर की सहायता से चेक कराते हैं। तो मल्टीमीटर को हमने 750 वोल्ट एसी रेंज पर रखा हुआ है, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रल है, यहाँ पर लाइन है, और ये इसका ग्राउंड है, अर्थ है। तो आप लोग यहाँ पर रखेंगे इसको और आप यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर इसमें आउटपुट यहाँ पे नहीं आ रहा है, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है, और मीटर पे आप देखते हैं आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। बेसिकली इसके अंदर यही फॉल्ट है। और उससे पहले आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, ये माइक्रोटेक का है, इसका नंबर है EM4160+। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आउटपुट क्यों नहीं आ रही है। पावर डिस्कनेक्ट करेंगे और इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखिए अगर आप पास थोड़ी सी भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है तो आप किसी भी डिवाइस को इजीली रिपेयर कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा इनके अंदर कुछ होता नहीं है। तो अभी हम खोलेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, और उम्मीद है कि ये ठीक भी हो जाएगा। तो इसे हम लोग ओपन करते हैं और देखिए यहाँ पर इसके जो डिस्प्ले के वायर हैं वो यहाँ कनेक्ट हैं, ये डिस्प्ले की सेटिंग है। तो या तो आप डिस्प्ले को खोल लीजिए या कनेक्टर को बाहर निकाल लीजिए। तो फिलहाल हम लोग कनेक्टर को आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जनरल चेकिंग करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें अंदर कुछ जला या फूका हुआ तो नहीं है। ये इसका ट्रांसफार्मर है और ये इसका पूरा जो है सर्किट है, आप यहाँ देख सकते हैं इसलिए। तो बेसिकली इसके अंदर 1 2 3 रिले लगी हुई हैं, कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये कुछ ICs लगी हुई हैं जिनके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कोई वायर यहाँ से हटा हुआ तो नहीं है, कुछ जला हुआ तो नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं सारा कुछ ठीक है। अगर बात करें इसकी इनपुट सप्लाई की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके इनपुट के वायर ये लगे हुए हैं। देखिए रेड वाला वायर जो है इसका इनपुट है, और ये सारे वायर जो है ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हैं। तो बेसिकली यहाँ कोई जो है कंपोनेंट जला हुआ नहीं है। एक बार हम लोग PCB को भी ओपन करके देख लेते हैं, कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए ये इसका कंप्लीट PCB है, और ये इसका माइक्रो कंट्रोलर है। अगर आपका सेट जो है नो डिस्प्ले में आता है, डेड आता है, तो उस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, यहाँ पर एक IC लगी हुई है। आप देखिए यहाँ पर ये IC लगी हुई है 7805 यानी 7805, इसकी इनपुट चेक करेंगे और आउटपुट चेक करेंगे। इनपुट इसका लगभग 12 से 14 के आसपास होना चाहिए, और आउटपुट 5 वोल्ट होना चाहिए। वही 5 वोल्ट इस IC के पिन नंबर 2 पे जाता है, जिससे माइक्रो कंट्रोलर हमारा ऑन होता है और हमारी डिस्प्ले शो होती है। तो बेसिकली ये फॉल्ट इसके अंदर नहीं है, डिस्प्ले इसका शो हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आउटपुट नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपने देखा होगा यहाँ पर ये 2 रिले लगी हुई है, 1 2, और ये तीसरी रिले लगी है। तीसरी रिले जो है आपकी आउटपुट की रिले है। तो इस रिले के आसपास आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए सेट हमें खोलते ही दिख चुका है फॉल्ट हमारा क्या है। बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इजीली अगर आपकी नज़र तेज है तो आपको दिख जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ स्पार्किंग आपको दिखाई दे रहा होगा, जूम करके देखिए ये आपको दिख रहा होगा। बाकी आप शोल्डिंग देख सकते हैं, बाकी शोल्डिंग परफेक्ट है, बाकी कोई भी डायोड वगैरह कुछ भी यहाँ से हमें जला हुआ नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को चेक करेंगे, हो सकता है इसी से हमारा फॉल्ट आ रहा हो, और उसके बाद फिर बाकी टेस्टिंग करते हैं अगर ये आउटपुट सप्लाई नहीं देता है। तो चलिए इसकी शोल्डिंग को हम लोग प्रॉपर करते हैं। तो इसको क्लीन कर लेंगे, कोई शोल्डर की बूंद इधर उधर नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो इसमें सेकेंडरी प्रॉब्लम आ जाएगी कुछ ना कुछ। देखिए ये प्रॉपर शोल्डिंग हमने कर दिया है, उस पर चेक करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं होती है, नहीं तो फिर इसको स्टेप बाय स्टेप बाकी चीज़ें भी चेक करेंगे। और जब भी आप चेक करें सारे स्क्रू जरूर कस दें। चलिए इसको हमने फिट कर लिया है, और एक बार इसकी डिस्प्ले भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। एक डिस्प्ले हमने कनेक्ट कर दिया है, और एक बार हम लोग सप्लाई इन करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। देखिए यहाँ पे सप्लाई हमने इन कर दिया है,
और इसमें एक टाइमर लगा हुआ है, उसके बाद ये सप्लाई ऑन होगी। देखिए यहाँ पर जो है सप्लाई आ चुकी है, ये इनपुट सप्लाई दिखा रहा है। देखिए अभी आउटपुट दिखाएगा आपको, 239 के आसपास ये आउटपुट दिखा रहा है। मल्टीमीटर हमने 750 की रेंज पर रखा हुआ है, हम लोग यहाँ लिखेंगे न्यूट्रल और लाइन लगाएंगे और देखते हैं। देखिए हमें यहाँ पर आउटपुट मिल चुका है, 240 के आसपास यहाँ आ रहा है और 244 के आसपास यहाँ आ रहा है, यानी हमारा स्टेबलाइजर ये परफेक्टली ठीक हो चुका है। तो देखा आपने किस प्रकार इस स्टेबलाइजर को हमने ठीक किया। नॉर्मल सी इसके अंदर ड्राई सोल्डिंग थी, स्पार्किंग की वजह से जो है अपना पॉइंट रिले का जो आउट हो चुका था, और इस सेट के अंदर बेसिकली यही प्रॉब्लम आती भी है, तो आपको उस पॉइंट को दोबारा से रीसोल्ड करना है और आपका स्टेबलाइजर ठीक हो चुका है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी सी नॉलेज आपको है तो ही आप इन इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाएं, अदरवाइज ये थोड़ी डेंजर भी हो सकते हैं, आपको शॉक भी लग सकता है, यानी आपको करंट भी आ सकता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको जानकारी जरूर मिली होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पढ़ाने तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और यदि आप जीके इंस्टीट्यूट से मोबाइल, लैपटॉप, LED, LCD, स्मार्ट TV या अन्य किसी डिवाइस की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।